हैदराबाद को 7 विकेटों से रौंदने के बाद लखनऊ के नए कप्तान ने बोल दी बड़ी बात। कृणाल पांडे ने मैच जिताने वाले खिलाड़ी की कर दी जमकर तारीफ। हैदराबाद को बड़ी हार सौंपने के बाद देखिए LSG के कप्तान ने क्या बताया। IPL 2023 में शनिवार को हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को अपने घर में खेलते हुए लखनऊ के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही लखनऊ की टीम ने प्लेऑफ में जाने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। तो जीत कर पहले बल्लेबाजी करनी उतरी हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 182 रन बनाए, जिसके बाद लखनऊ के बल्लेबाजों ने 3 विकेट पर 185 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। टीम अंक तालिका में अब चौथे पायदान पर पहुंच गई है। इस जीत के बाद देखिए LSG के कप्तान ने क्या बताया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जिस तरह से हैदराबाद जा रहा था उसका स्कोर 200 पार होगा, हमने इसे वापस खींच लिया। खासकर आखिर के ओवरों पर मैंने आवेश और यश में वो आग देखी। हमें अच्छी बल्लेबाजी करनी थी, फिर भी मैं 175 रन बना लेता। हमें एक व्यक्ति और एक टीम के रूप में जो चाहिए वह पूरण में है। पूरण कमाल कर सकता है, हम जानते हैं। ये कुछ खास नहीं था, यह सिर्फ इतना था कि हमें गेंदबाजों के पीछे जाना था। अभिषेक ने 5 छक्के लगाकर मैच की लय बदल दी। प्रेरक के लिए वास्तव में खुश हूँ, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हैदराबाद से मिले 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत धीमी हुई। एक समय ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद की टीम आसानी से जीत हासिल कर लेगी, लेकिन निकोलस पूरण ने आखिरी ओवर में छक्कों की बरसात करते हुए लखनऊ को जीत दिला दी। पूरण ने 13 गेंदों में नाबाद 44 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके थे। इनके अलावा प्रेरक माकंड ने अर्धशतक जड़ते हुए नाबाद 64 रन बनाए। उनकी इस पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। मार्कस स्टोइनिस ने भी 40 रन बनाए, जबकि क्विंटन डीकॉक 29 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद के गेंदबाजों को ज्यादा मौके तो नहीं मिले, लेकिन टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स, मयंक मार्कंड और अभिषेक शर्मा को एक एक विकेट मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 183 रनों का टारगेट दिया था। हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 47 रन हेनरिक क्लासेन ने बनाए। हालांकि वह अर्धशतक से 3 रन दूर रह गए, लेकिन उन्होंने इस पारी में अच्छे शॉट्स लगाए। उनकी इस पारी में 3 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। इनके अलावा ओपनर अनमोलप्रीत ने भी 36 रनों की शानदार पारी खेली। राहुल त्रिपाठी ने 20 रन और कप्तान एडन मार्करम ने 28 रन बनाए, जबकि अब्दुल समद ने 4 छक्के लगाकर 37 रनों की पारी खेली। उनकी बदौलत ही टीम 6 विकेट खोकर 182 रनों तक पहुंच सकी। लखनऊ के लिए कप्तान कृणाल पांड्या ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए, जबकि युधवीर सिंह, यश ठाकुर, आवेश खान और अमित मिश्रा को 1-1 विकेट मिला और लखनऊ उस मैच को 7 विकेटों से जीत गई। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।